हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज है अपनी 21 तारीख और ये वाली डेट मैं शायद वीडियो शुरू करता हूँ। तो गाइस ये डेट मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी और रही है, और क्योंकि कल है अपनी 22 तारीख, मतलब मोटो जीपी का फर्स्ट डे। जो मैंने टिकट्स बुक कर रखी है, मेरे पास टिकट्स आ चुकी हैं, और 22 तारीख 23 तारीख 24 तारीख के मेरे पास टिकट्स हैं। 22 तारीख का कल का इवेंट है, कल है अपना फ्राइडे, कल अपना मोटो जीपी। भाई पहली बार मैं देखूंगा इस तरह से, मतलब रेसर्स को ट्रैक पर रेस करते हुए अपनी आंखों से अपने सामने। मैंने BIC पहले देख रखा है, मैंने BIC में बाइक चला रखी है, मैंने ट्रैक डे कर रखा है BIC में, तो उस चीज का एक्सपीरियंस मैंने ले रखा है कैसा होता है अपना ट्रैक। बट उस पर रेसर्स को यार बाइक चलाते हुए देखना इज डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग माहौल सा बन जाएगा कल वहां जाकर। तुम लोगों को पहले मैं टिकट दिखाता हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ करना बनता है गाइस। तो मैं तुमको भी टिकट दिखाता हूँ, कैसी टिकट आई है, क्या आया है मेरे पास कार्ड एंड ऑल। और क्या गाइस, मैं तुमको शक्ल से चोर लग रहा हूँ जो मेरे कमेंट्स में आ रही है, तो शक्ल से चोर लग रहा है उस वाली वीडियो में। बट कोई बात नहीं, उस चीज को अब छोड़ो, देखा जाएगा जो होगा। गाइस तुम लोगों को मैं टिकट दिखाता हूँ, पहले रुको। ये रहे अपने टिकट्स, बुक माई शो से मैंने बुक कर दिए थे, और इसको खोल के दिखाता हूँ मैं अंदर से। जब मैं आया ना, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि हाँ चलो फाइनली अपने पास टिकट्स अपनी आ चुकी है, और मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर से क्या क्या निकला है। ये गाइस ये निकले अपने 3 टिकट्स, जो की है अपने 22, 23, 24। तो गाइस मैंने स्टैंड वाला लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी टिकट है यार, सीट्स वाली तो 80,000 की टिकट है भाई। ये तो फिर भी मेरे को सही मिल गई है, बुक माई शो से मैंने ऑर्डर करी थी। ये अपना हो गया पार्किंग का पास हो गया, ये अपनी बाइक पे लग जाएगा यहाँ पर। तो इसको लगाना, पहले मेरे को बाइक साफ करनी है क्योंकि गंदी हो रही है बाइक। 22, 23, 24 का ठीक है पूरा अपना ये हो गया, ये अपना इनवॉइस हो गया, और ये इसके लिए डिटेल्स ये रखी है। ये अपने को एक कार्ड मिला है, इसमें रिचार्ज होगा, यहाँ से इसको स्कैन करके इसमें कुछ रिचार्ज एनरोल होगा, तो कुछ खाने पीने के लिए होगा आई गेस, कुछ ऐसा ये कार्ड मिला है बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ये सामान अपने को मिला है, बाकी टिकट्स ये रही अपनी। पीछे इसमें थोड़े इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं, पावर बैंक नहीं लेके जा सकते, सिगरेट लाइटर नहीं लेके जा सकते, सेल्फी स्टिक नहीं लेके जा सकते, वुडन स्टिक नहीं ले जा सकते, शार्प ऑब्जेक्ट, बैकपैक भी नहीं लेके जा सकता मैं अपना बाइक वाला, बॉटल्स नहीं लेके जा सकते, अम्ब्रेला नहीं लेके जा सकते। शेट भाई, मैं तो सोच रहा था कि अम्ब्रेला ले जाऊंगा, बट कोई बात नहीं। कैमरा नहीं लेके जा सकते, वेपन नहीं लेके जा सकते, फूड नहीं लेके जा सकते, हेलमेट नहीं लेके जा सकते, कॉइंस नहीं ले जा सकते, बायनोक्यूलर नहीं ले जा सकते। भाई जी तो मैंने अभी पढ़ा कि इसमें अम्ब्रेला भी नहीं लेके जा सकते। मैं तो सोच रहा था कि एक मैंने अम्ब्रेला ले रखा है छोटू सा है बिल्कुल, मैं सोच रहा था उसको बैग में लेकर ले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ भाई स्टैंडिंग जोन है, तो ऊपर से कुछ ऐसा कवर नहीं होगा, तो भाई धूप तो तुम्हें बहुत पता लगने वाली है, मतलब वो बोतल की शेप का अम्ब्रेला था, तो मैंने सोचा उसको ले जाऊंगा। बट इसमें तो साफ लिखा है कि अम्ब्रेला भी नहीं ले जा सकते, ना बोतल लेके जा सकते, ना हेलमेट ना बैकपैक, और मैं जाऊंगा बाइक से, तो उसमें तो अपने को हेलमेट भी चाहिए और अपना बैकपैक भी साथ चाहिए। बट उसके लिए जुगाड़ है अपने पास, और तुमको कल दिखाऊंगा क्या जुगाड़ है। अभी अपने को क्या करना है कि नीचे जाना है और बाइक को साफ करवा के लाना है। उससे पहले तुम्हें एक गेस्ट से मिलवाता हूँ जो अपना एक फैमिली मेंबर बन चुका है अभी। इस चीज से थोड़ा समझ जाओ किसका घर हो सकता है, तो यहाँ ऊपर रखा है घर, बट जो इसका मेहमान है वो नीचे है, और हम गाइस अभी नीचे चल रहे हैं, उसको दिखाते हैं पहले। एंड पार्किंग पूरी खाली पड़ी है अपनी, क्योंकि जितनी भी यहाँ बाइक्स लगी हुई थी सब अभी बाहर खड़ी है, मेरी बाइक भी बाहर खड़ी है, तो जिस वजह से थोड़ी धूल में भी ज्यादा हो रही है। अभी उसको साफ करने लेके जाना है, और जैसे मैं नीचे आ चुका हूँ पहले घर के अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ कौन है वो मेहमान। तो गाइस ये था वो मेहमान हमारा, न्यू फैमिली मेंबर टिलू, इसका नाम मैंने टिलू रखा है, और आज इसके टॉयज आए हैं, देख रहे हो कितना ज्यादा खेल रहा है भाई इन टॉयज के साथ। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी है वो मैं बताना चाहूंगा। ये कोई ऐसा पेट नहीं है, ये स्ट्रीट कैट थी, बहुत छोटू सी, कुछ दिन पहले डॉग्स ने पकड़ लिया था इसको बाहर। ओली 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 ओली, खेलने के लिए पागल हो रही हो बिल्कुल। ये देखो, तो ये बिल्डिंग में रहती थी, इसको डॉग्स ने पकड़ लिया था बाहर, तो हम गए हुए थे उस दिन घर से बाहर, तो ये हमारे गेट के बाहर बैठी थी, बिल्कुल शॉक में थी बहुत ज़्यादा, मतलब हिल ही नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। तो इसको फिर नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के लेके गया, तो रेबीज़ का इंजेक्शन, मतलब ट्रीटमेंट जो होना था वो इसका हुआ, और उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद ये सदमे में से बाहर आई अपने, फिर हम इसको दोबारा डॉक्टर के लेके गए, दोबारा इसका मतलब फिर उस पूरा पेट का नेम एंड ऑल सब इसका हो गया, फिर ये अब हमारे साथ ही टिल्लू है भाई, टिल्लू हमारे साथ ही फिर इतने दिनों से। ये लो लो आपका टॉय, ये आज ही आए भाई इसके टॉयज, ये रहा। तो कुछ ये स्टोरी थी हमारे टिल्लू की, और टिल्लू नाम कहाँ से आया, मैंने पहले सोचा बिल्लू रख दूँ, तो फिर टिल्लू रख दिया मैंने उसका नाम। तो गाइस अब बाहर चलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बाइक धुलवा के लानी है अपनी, सोच रहा था वैसे मैं खुद ही धो लूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें धोने में, बट जल्दी से बाहर जाऊंगा और उसको धुलवा के ले आऊंगा, थोड़ा सा मोटो व्लॉग भी कर लेंगे अपन। तो अभी सीधा तुमको मैं कैमरा लगाता हूँ हेलमेट पे, और सीधा बाइक पर मिलता हूँ, ठीक है।
तो गाइज ये लो, मैं आ चुका हूँ बाइक पर और यहाँ हो चुका है अंधेरा, क्योंकि गाइज रात हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है भाई 6:52 और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला निकलने का उसके बाद, बट कोई बात नहीं, जल्दी से इसको धुलवा के लाते हैं क्योंकि अपने को कल सुबह जैसे जाना है मोटो जीबी के लिए, तो उसके लिए मैं बाइक गंदी तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगा, लेके जाऊँगा तो साफ ही लेके जाऊँगा, वरना तब भी जाऊँगा। मैंने अभी अपना जिम भी छोड़ दिया, जो मतलब मैं जाऊँगा लेकिन थोड़ा लेट जाऊँगा, बट मैं पहले इसको धुलवा लेता हूँ। अभी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो रही है कि इसको धुलवा के लानी है। ओ भाई, इस वाले चौक का तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो ट्रैफिक होना ही होना है इस टाइम। कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा, कोई सामने से आ रहा है, हमारी ग्रीन हो रही है फिर भी, देख रहे हो। ओम फो, देखी धर्राटी काट रही है, ये तो धर्राटे काट रही है आज अपनी बाइक। ओ शेट, कितना ज्यादा अंधेरा है, ये देखो। वाह अंकल वाह, ओ मेरी जान। तो भाई मैं भी जा रहा हूँ जहाँ मैं फॉर्म वॉश करवाता हूँ ना अपनी बाइक, गाड़ी की मैंने एक दो बार करवाई है, क्योंकि मैं इसमें करवाता हूँ तो फॉर्म वॉश ही करवाता हूँ, वरना तो मैं नॉर्मल वॉश तो बहुत कम करवाता हूँ बाइक की। एंड गाइस कल आने वाला मज़ा भाई मोटो जीपी में, सोचो यार कितना मतलब अलग सी फील होगी ना वो जब रेसर्स को अपन सामने से देखेंगे, यार किस तरह से वो ट्रैक पर रेस करेंगे भाई, वो फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। कल मैंने एक बार ट्रैक डे कर रखा है इसीलिए उसमें थोड़ा सा पता है ट्रैक कैसा है वहाँ का। ट्रैक इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मतलब रोड पर चलाना और ट्रैक पर चलाना बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि एक तो स्पीड का नहीं पता चलता हम कितनी स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, और फिर ब्रेकिंग का नहीं समझ आता यार कि मतलब ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग जैसे टर्न आ जाता है ना एकदम से बहुत ज़्यादा लीन वाला, तो समझ नहीं आता कि ब्रेकिंग कितनी देर पहले करनी है जो बिल्कुल सही एक्यूरेट ब्रेकिंग रहे, ना गिरे मोड़ते वर और ना ऐसा हो कि सीधा निकल जाए झाड़ियों में, तो ये चीज़ बहुत मतलब ट्रैक में बिल्कुल अलग ही फील रहती है यार कसम से। शेट बंद पड़ा है मेरे ख्याल से, भैया वॉश हो जाएगी क्या, कर दो कैसे वॉश, तो तुम धो दो यार, मैं धो दूँ मुझे दे दो स्प्रे सी, मैं धो दूंगा, सिंपल सी कर दो, ज़्यादा मेरे को ऊंचाई चाहिए, बस गंदी हो रही है, कल मेरे को जाना है कहीं सुबह में इसलिए धुलवा रहा हूँ। मान ही गया फाइनली, वरना मान ही नहीं रहा था। कैमरा चालू है वीडियो बनाता हूँ ना मैं, यूट्यूब पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, और अपनी सेफ्टी के लिए भी कोई ठोक के चला जाए, प्रूफ होना चाहिए ना अपने पास। तो गाइस भैया फाइनली मान गए इसको साफ करने के लिए, वरना मान ही नहीं रहता कोई भी, और अब अपनी बाइक यहाँ धुल जाएगी पूरी। बंद किस टाइम कर देते हो पूरा, अच्छा बंद ही है, चलो शुक्रिया भाई। Waiting till the pace pick up and watch who they give ears to. Scrap told me shit is getting hella cinematic. So I'm betting on my talents with whatever's in my balance. Completing all my beats, but my addict unf***. चलो ठीक है भाई, ओके भाई उस्ताद जी, चलो जी, अच्छा बिहेव करते हैं तो अच्छा लगता है सबको। भाई टंकी फुल कर दो आज तुम इसकी, नॉर्मल नहीं था, चलो ठीक है। 95 मतलब मेरे को नहीं आइडिया था कि ये 95 डाल रहा है, मुझे लगा नॉर्मल होगा, और मैंने तो आज इसमें 95 फुल करवा लिया, क्या बात। बाइक इतनी हैवी हो गई है ना अब, बहुत ज़्यादा हैवी सी चल रही है, मैं तो बहुत ही टाइम बाद डलवाया इसमें भाई, ऐसा मतलब फुल करवाई है इसकी टंकी, और 95 डलवा लिया इस बार, तो अब तो बहुत दिन चलेगा भाई ये, कसम से बहुत हैवी लग रही है बाइक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आदत नहीं है ना टैंक में इतना कुछ भर के चलने की, तो बहुत ज़्यादा हैवी सी हो गई है बाइक। पेट्रोल भी अब फुल है, बस अपने को सुबह को निकलना है मोटो जीपी के लिए। वाह, तो गाइस मैंने शायद पहली बार ही रात को मोटो व्लॉग करा है अपने GoPro हीरो 9 से, तो मेरे को बताना कमेंट करके ये भी कि कैसा आउटपुट आ रहा है अपना हीरो 9 से। तो गाइस पहुंच चुका हूं मैं घर, अब तुम लोगों को मिलता हूं मैं सीधा रात को, क्योंकि अभी थोड़ा काम है मेरे को, जिम जाना है। तो गाइस मैं आ गया था जिम करके, और बाइक अंदर कर दी खड़ी, बिल्कुल साफ कर दी है बाइक,
अब बस अपने को कल का वेट है मोटो जीपी का। कल सुबह उठना मेरे को 8 बजे और 9 बजे मैं निकलूंगा और उसके हिसाब से देखता हूँ किस टाइम पर पहुंच जाऊंगा। बाकी अपने सोते टिल्लू से तो मिलो इस तुम लोगों को सो रहा है क्या फिर से देख लो भाई किस तरह से सो रहा है। ये नहीं उठेगा ये खाएगा पिएगा सो जाएगा इसका यही रहना आजकल। तो ठीक है गाइस इस ब्लॉग को मैं यही कर रहा हूँ एंड। कुछ ये था अपना मोटो जीपी का ईव वाला व्लॉग जो अब मैं कर रहा हूँ एंड। कल एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा और मिलते हैं सीधा तुम्हें कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई को यार यूजर नेम और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में कल वाली वीडियो में। I stay focused, I don't do it.